आएगा गाइस ये क्वेश्चन है जे एडवांस का क्वेश्चन ये है कि हमारा पार्टिकल जो है ए पॉइंट से स्लाइड कर रहा है ओके सो ए से क्यू जब वो स्लाइड करता है सो उस पर फ्रिक्शन क्योंकि जो हमारा सर्कुलर आर्क है गाइस ये क्वेश्चन है जे एडवांस दो हज़ार तेरह का क्वेश्चन ये है कि हमारा पार्टिकल है एक सर्कुलर आर्क पे स्लाइड कर रहा है उस सर्कुलर आर्क पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है ओके हमारा पार्टिकल ए पॉइंट से स्लाइड कर रहा है तो जब वो ए से क्यू पॉइंट तक जाता है उस समय फ्रिक्शन उस पर वन फिफ्टी जूल का वर्क करता है ओके सो so, जब क्यू पे पहुंचा है उस समय हमें उसकी वेलोसिटी बतानी है ओके okay, सर्कुलर आर का रेडियस हमें 40 मीटर दे रखा है ओके okay, और जो एंगल ए पी क्यू बना रहा है वो है 30 डिग्री सो so, इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है एनर्जी का लॉस हो रहा है सो तो हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हम इसमें लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्व टू तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओके okay, सो so, कौन कौन से फोर्सेस इस पार्टिकल पे वर्क कर रहे हैं पहला ग्रेविटेशन ओके okay, जिसका वर्कडन होता है मास एम जी इंटू परपेंडिकुलर हाइट दूसरा है हमारा फ्रिक्शन का वर्कडन दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज ग्रेविटेशन का वर्कडन क्या है मास वन के जी है जी की वैल्यू टेन हाइट हाइट हमको लेना है ये परपेंडिकुलर हाइट ये जो है पी क्यू का परपेंडिकुलर हमें लेना है तो ये हो जाएगा पी क्यू साइन थर्टी डिग्री हमने इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है वेक्टर की मदद से सो पी क्यू की वैल्यू है फोर्टी साइन थर्टी है हाफ तो ये हो गया ट्वेंटी तो हमारे पास ग्रेविटेशन एनर्जी निकालने ग्रेविटेशन का वर्कडन निकालने के लिए हाइट आ गई है ट्वेंटी प्लस फ्रिक्शन का वर्कडन वन फिफ्टी जूल हमें दे रखा है बट ब्लॉक आगे मूव कर रहा है फ्रिक्शन उस पर अपोजिट एक्ट करेगा फ्रिक्शन का वकडन नेगेटिव होना चाहिए तो मैं यहाँ पे लूँगा माइनस वन फिफ्टी इक्व टू हाफ एम की वैल्यू वन है हाफ़ एम वी स्क्वेयर ओके सो ये कैलकुलेट होकर आता है फिफ्टी इक्व टू हाफ वी स्क्र सो वी स्क्र की वैल्यू मेरे पास आती है हंड्रेड मीटर पर सेकेंड दैट इज़ वी इज इक्व टू टेन मीटर पर सेकेंड सो जब हमारा पार्टिकल क्यू पे आएगा उस समय उसके पास टेन मीटर पर सेकेंड की वैलोसिटी होगी थैंक यू